चाय रखकर वो शर्माते हुए वापस मुड़ी तो उसे देखने आने वाली आंटी ने कहा, बेटी हमारे पास नहीं बैठोगी। उसे न जाने क्यों लगा था कि आंटी के लहजे में तंस है। वो लड़की झिझकते हुए बैठ तो गई, मगर उसके दिमाग में वो सब लोग आने लगे जो पहले भी उसे देख कर जाते थे और तरह तरह के सवालात करते थे। उनके जाने के बाद वो अपने अम्मी अब्बू की बातों से अंदाज़ा लगाया करती थी कि वो लोग क्या कह कर गए कि उसे उम्र ज़्यादा होने पर और कभी हाइट कम होने की वजह से नापसंद किया गया। आज भी वो ऐसे ही सवालात से डरी हुई बैठी थी कि आने वाली आंटी जी की आवाज़ सुनी। वो उसकी अम्मी से कह रही थी कि मेरी बहन हम क्या बताएं, हम लड़के वाले जो हुए, लड़कियां आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, बहुत से रिश्ते आते हैं मगर कोई भी दिल को नहीं लगी, बेटा हमारा तो लाखों में एक है। वो लहजे में मिला गरूर देख सकती थी। आखिरकार फिर उसी सवालात का सिलसिला शुरू हुआ जिसका जवाब देने से उसे शर्म आती थी। उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए पूछा गया, बेटी तुमने मैट्रिक कब की थी? फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये कि तुम क्या क्या बना लेती हो, मेरे बेटे को खुश तो रख सकोगी ना? मेरा बेटा बड़ा नखरे वाला है, अगला किसी की सुनता सुनाता नहीं, अपनी माँ की बहुत खिदमत करता है, तुम गुजारा कर तो लोगी ना? जवाब दे देकर उसका दिल रोने लगा था। फिर उसके तखील ने सब्र का पैमाना छोड़ दिया। बेटी थी आखिर, उसका रोता हुआ दिल उसको हिला कर सवाल करने लगा कि या अल्लाह मैं बेटी हूँ या जानवर? मेरा रिश्ता हो रहा है या फिर सौदा? मेरी बोली लगाई जा रही है या फिर शादी? मेरी भी अहमियत है या फिर मैं बेकार हूँ? कल भी मैं बिक रही थी तब पैसों में, आज भी सौदा किया जाता है निकाह के नाम पर। अचानक आंटी की आवाज़ ने उसे तखील से निकाला कि बेटी तुम मेरे बेटे के लिए आंटी कोई और वार करना चाह रही थी। उसने गुस्से में आकर टोक दिया, बस माँ बस। वो अपनी माँ पर चीख पड़ी, अम्मी क्या तुम मुझे इस घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं दे सकती? बस थोड़ी सी माँ। माँ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी, मैं जॉब करके कमा लूँगी, अब मेरी बस है माँ। ये रिश्ते के नाम पर रोज मुझे व्यापारियों के सामने पेश करने से रुसवा ना करो, मैं कैसे सुनती हूँ ये सब, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। माँ तू भी किसी की बेटी है, तू भी जानती है। मेरी माँ रो पड़ी, मुझे उसने कुछ नहीं कहा तो आंटी ने उससे बदतमीज कहा और कहा कि हम लड़के वाले हैं, हमें हजारों लड़कियाँ मिल जाएंगी। और ये कहते हुए वो पाँव पटकते हुए हमारे घर से चली गई, जैसे बाहर बहुत सी लड़कियाँ उसके इंटरव्यू के लिए खड़ी हूँ। मेरे पास आज कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन माओं से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जज्बात में आकर, जल्दी में आकर वो रिश्ता कभी मत कीजिएगा जो आपकी बदनामी और आपके पछतावे का सबब बने। बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं, तो इन्हें जल्दबाजी में आकर घर से बेदखल मत करें।